नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किशनगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किशनगढ़ थाना पुलिस के द्वारा छात्राओं को महिला सुरक्षा अभियान के तहत दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया। स्कूल की छात्राओं को सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में स्कूल की करीब 200 छात्राएं शामिल हुई। छात्राओं को कहानी के माध्यम से किसी महिला की किस तरह मदद करना चाहिए और महिला उत्पीड़न से कैसे महिला की मदद करना चाहिए यह बताया गया। स्कूल की छात्राओं को सत्य घटना की कहानी पर आधारित महिला उत्पीड़न के मामले बताए गए। महिलाओं की सुरक्षा कैसे करना है यह बताया गया। बाद में छात्राओं से सवाल किए गए। पुलिस ने छात्राओं को बताया कि किसी के बहकावे में नहीं आना और कहीं किसी के कहने पर नहीं जाना। इस कार्यक्रम में किशनगढ़ थाना से थाना प्रभारी जगदीश सिवहरे, धर्मेंद्र उमेश, स्कूल के प्रचार प्रमोद शर्मा एवं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में परामर्शदाता सावित्री कुशवाहा एवं समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नीरज सोनी की रिपोर्ट। आज थाना प्रभारी श्री सिवहरे जी द्वारा महिला जागरूकता सुरक्षा अभियान के तहत चेतना शिविर के बारे में जानकारी दी गई एवं इसमें चेतना शिविर से काउंसलर मैडम भी आई हुई थी। उन्होंने भी छात्राओं को जानकारी दी तथा जो आजकल हो रहे हैं क्राइम उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। समस्त छात्राओं को उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी और उसके बारे में बताया कि मोबाइल वोबाइल से संबंधित कोई भी कमेंट्स करे तो उसके तुरंत ध्यान दें और किसी प्रकार की छात्राओं को जो कोई अपराध होता है तो उसके तुरंत सूचना 100 नंबर से लगाएँ या अपने स्कूल में बताएँ, अपने प्राचार्य या मैडम से बताएं तो आपकी तुरंत समस्या का निराकरण होगा। कभी भी डरे नहीं, निडर होकर रहें। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।